जयशंकर जी, आपसे मैं चाहूँगा कि आप इसको अब समराइज अगर करें तो एक सवाल के साथ। एनडीटीवी ने अभी प्रधानमंत्री जी का जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट बातें कहीं, एक तो ये भारत का वक्त है, इंडिया सेंचुरी, और दूसरी बात कि स्कोप, स्पीड, स्किल और साइज ऑफ द प्रोजेक्ट और द पॉलिसी इंटरवेंशन जो भी वो करेंगे। 100 दिन प्लस 25 दिन की भी बात हुई है कि उसमें एक रोड मैप सामने आ जाएगा कि सरकार आगे क्या करने जा रही है। हम लोग आपसे वो थोड़ा इंटेल चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन टू एड्रेस द चैलेंजेस दैट मनीष जस्ट अंडरलाइंड। देखिए, इंटेल के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि वो अगले सरकार मोदी जी तब तय करेंगे। पर मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है, इट इज़ अ नेशनल इलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे, पीपल विल वोट नेशनली। कि जितने लोकल प्रॉब्लम्स होंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं है, पर अंत में जब लोग बटन दबाएंगे, उनके मन में होगा कि भाई हम मोदी जी पे विश्वास करते हैं या किसी और पे विश्वास करते हैं। और जैसे सुरजीत जी ने कहा, किसी कोई और का चेहरा ही नहीं, तो मुझे लगता है कि एक तो जो रिज़ल्ट आएगा, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं पता, पर ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जो भी आपके मन में जो नंबर है उससे अच्छे आएंगे, ये मैं ज़रूर आपको बता सकता। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो मुझे इसको कंसीड करना नहीं चाहिए लेकिन कर लेता हूँ। हाँ, जो मुझे लगता है कि जो भाजपा के पक्ष में है, ये है कि 10 साल का रिकॉर्ड है और जो आगे का भविष्य का जो पिक्चर जो हम पब्लिक के सामने रखते हैं, वो बहुत मने ऑप्टिमिस्टिक कि हम देश को कहीं ले जाएंगे। मुझे लगता है आज देश का ये मूड है, जो फॉरेन पॉलिसी का भी जो इंटरेस्ट जो है, कि देश को लगता है भाई ये लोग खड़े हैं, जब भारत का हित होता है देखे बोलने के लिए तैयार हैं, अड़ने के लिए तैयार हैं। तो देश का ये आज जो मूड जो है, और युवा पीढ़ी खासकर, उनको ऐसा लगता है। तो एक साइड से जो विज़न आपको मिलता है कि विकसित भारत, अमृतकाल, विकसित भारत, हम देश को ले जाएंगे, दूसरा कि भाई सब कुछ बेकार है, अरे पता नहीं संविधान का क्या हो जाएगा, तो जो डराने की जो कोशिश हो रही है, और जो स्वाभाविक है, देखिए ह्यूमन नेचर है कि आप तो वो ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर ही लेंगे, खासकर अगर रिकॉर्ड है, पहले का अगर रिकॉर्ड है तो आप उसी दिशा में जाएंगे। तो आगे जो आपका आपने जो इंटर लेने की जो कोशिश की, हमें सबको कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बताया गया था कि हम तैयारी करें, तो सब जो अलग अलग मंत्रालयों ने अपना अपना कुछ सजेशन दिया है। चुनाव के समय में भी मोदी जी जो हैं समय निकाल के उसका फीडबैक देते हैं, तो ये काम अभी भी जारी है। पर मुझे लगता है कि जो भी अभी 10 साल में जो हुआ है, जब वो कहते हैं कि ये ट्रेलर है वो आगे ले जाएंगे, ये इसको हल्का नहीं लीजिएगा। मुझे लगता है कि वो जो है एग्जैक्टली जो मनीष जी ने कहा कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी, जो सनराइज इंडस्ट्रीज जो आ रही है, जो आज जो हमने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत नेग्लेक्ट किया पिछले 30 साल, और अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इस देश में हो नहीं सकता, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है। तो ये जो है, आप इसको कैसे जमीन, क्योंकि मोदी जी की खासियत ये है, विज़न भी है पर ज़मीन में उतारने की वो स्किल, टैलेंट भी है, और माने थोड़े ही समय एग्जीक्यूशन के माइक्रो डिटेलिंग में वो बहुत ज्यादा, ये आप देखेंगे कि जो 125 डेज में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, बड़े प्रैक्टिकल होंगे, बहुत इम्प्लीमेंटेबल होंगे, और ये जो है आपको खुद लगेगा कि ये विकसित भारत की एक दिशा के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, देश वहां जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये पूरी बातचीत देखना ना भूलें, आज रात 8 बजे एनडीटीवी इंडिया पर एक्सक्लूसिव बैटल ग्राउंड फिनाले में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ।